घोला डेरी कुतुब बिहार फेस टू हनुमान चौक हनुमान मंदिर में मनाया गया अष्टयाम महायुद्ध। प्रति वर्ष के भांति इस वर्ष भी अष्टयाम जग बड़ी धूमधाम से मनाया गया। सभी लोगों ने पूरा सहयोग दिया अष्टयाम जग को सफल बनाने हेतु, जिसमें कोरोना वायरस के सभी प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए और सभी नियमों का पालन करते हुए देखते सभी भक्तों ने इस अष्टयाम का भरपूर आनंद उठाया। यह 14 तारीख से शुरू हुआ था और 15 तारीख को समापन की ओर बढ़ा। 15 तारीख को सुबह हवन और विशाल भंडारे का आयोजन भी किया गया। इस अष्टयाम जग में आधुनिक साज बाज के साथ इस मंदिर में भजन गायकों ने सभी का मन मोह लिया। सभी भक्तजनों ने और भजन गायकों ने मिलकर पूर्ण श्रद्धा से भजन गाए। अष्टयाम यज्ञ 23 वर्षों से लगातार मनाया जा रहा है। आज का ये अष्टयाम महायज्ञ जो आपका हो रहा है, आज कितने वर्ष आपका हो गया पूरा इसमें? ये अष्टयाम कीर्तन 23 सालों से अनवरत समाज के सभी वर्गों के द्वारा सहयोग से, जिसमें खासकर मिथिलांचल के झा परिवार के लोग जो बिहार से प्रवासी यहाँ हैं और अब तो यहाँ के निवासी हो चुके हैं, उन लोगों द्वारा संचालित ये कार्यक्रम है। और आज 9 बजे सुबह से चलकर कल ये 10:30 तक अष्टयाम होगा, तदुपरांत यहाँ हवन होगा। हवन के बाद कॉलोनी के लोगों के सहयोग से ही अपार भगवान भंडारे का भी आयोजन है, जो हर साल होता है। 2 साल से कोरोना महामारी के चलते लोगों ने कोविड प्रोटोकॉल का पालन किया और यहाँ कोई कार्यक्रम नहीं हुआ, इसलिए इस बार श्री महाराज बालाजी महाराज ने लोगों को ये प्रेरणा दी कि आप लोग जागृत होएं और इस कोरोना महामारी को जो समाज में ग्रसित कर रहा है लोगों को, बीमारी के तरह चारों तरफ फैल रहा है ये महामारी, उसको भगवान की असीम कृपा अष्टयाम संकीर्तन एवं हवन से कम करने की ये प्रक्रिया है। कल कितने आदमी करीब यहाँ पे भंडारे में आने की संभावना है? देखिए, कोविड प्रोटोकॉल के तहत बहुत सारे लोगों को नहीं कहा गया है, फिर भी जो भी कार्यक्रम यहाँ है, सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजर, साथ में मास्क सब यूज करें, उसके साथ साथ जितना भी हो सके प्रभु कृपा तक ये भंडारा चलेगा। जनसंख्या तो इस कॉलोनी की बहुत है, लेकिन उतने लोग नहीं आएंगे क्योंकि हम लोग कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो कर रहे हैं। तो ये थे यहाँ के निवासी जो आज 23 साल से कंटिन्यूज इस अष्टयाम महायज्ञ को संचालित कर रहे हैं और बहुत अच्छे ढंग से इसमें पूरी रात आज और कल भी इनका कार्यक्रम ऐसे ही चलता रहेगा, उसके बाद ये भंडारे का कार्यक्रम करेंगे। धन्यवाद।